मैडम आठवां दिन है आज। चार किसान टंकी पे बैठे हैं 150 फुट ऊपर और 14 लोग नीचे आमरण अनशन पे हैं जी। सुनवाई नहीं हो रही है किसानों की, क्या कहेंगे? सिर्फ किसानों की नहीं, जब से ये सरकार बनी है इन्होंने जो जो फैसले लिए, किस तरह किसान को, मजदूर को, कमेरे को, गरीब को कमज़ोर किया जाए, कैसे हम उनको तंग कर सके, इस सरकार ने उसके ऊपर हमेशा फैसले लेने का काम करा। ये तो हमने पिछले टाइम भी देखा था कि तो ताकत थी कि सारे किसान एकजुट होकर के, जो उन्होंने दिल्ली को घेरा और प्रधानमंत्री को मजबूर किया। अब तो यही एक तरीका रह गया कि हर वर्ग के आदमी को एकजुट होना पड़ेगा, जब भी एक दूसरे के ऊपर कोई इस प्रकार की दिक्कत आए तो एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये सरकार कोई सुनवाई करेगी, नहीं तो ये तो अंधी और बहरी सरकार है। मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ बयान दे रहे हैं लेकिन यहाँ किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर बैठे लोग हैं वो 1.5 फुट जगह में बैठे हैं, हालात का भी खराब है। पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री सूरजकुंड के अंदर अन्य प्रदेशों के जिला परिषद के मेंबरों की बुला करके मीटिंग ले रहे हैं, जहां वो राजस्थान, मध्य प्रदेश के जिला परिषद के मेंबरों को बुला रहे हैं। उनको अपने देश, अपने प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है, आप क्या उम्मीद रखोगे ऐसे मुख्यमंत्री से? 6 दिन बाद DC यहाँ पहुँचते हैं और वो भी कह रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूँ मैं बातचीत करने की, हालांकि हमने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री से इनकी बात मेरी जाए। मेरी DC साहब से भी बात हुई थी, DC साहब ने अपनी तरफ से प्रयास करे, लेकिन जब ऊपर से सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो सिर्फ एक DC भी कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि ये लोग जल्दी से जल्दी नीचे उतरें, इनको इनका हक मिले और कोई दुर्घटना ना घटे। आज इनकी मीटिंग भी हो रही है, कुछ बड़ा फैसला लेने की कह रहे हैं किसान। बिल्कुल, जो फैसला ये लेंगे हम इनके साथ, उस फैसले में इनके साथ खड़े हैं। जी, क्या आपको लगता है कोई बड़ा मंत्री इसमें मिला हुआ है लंबे समय से? क्योंकि देखो, मैं आज कोई आरोप लगाऊं सही नहीं होगा, जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए इस चीज़ की, उससे पहले मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी सेशन आ रहा है 25 तारीख से, उसमें आवाज़ इन किसानों की। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो अभय सिंह जी ने इनको पहले दिन आश्वासन दिया था कि ये सरकार जब तक नहीं सुनवाई करेगी, जब तक इनको कोई करारे तरीके से नहीं पूछेगा, जब तक विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। अभी ऐसा लग रहा है कि धरना लंबा चलेगा, तो क्या अभय चौटाला भी यहाँ पहुँचे? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, हम तो नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई चीज़ लंबी चले या किसी का कोई नुकसान हो। अगर जरूरत पड़ी अभय चौटाला पहुंचेंगे फिर? बिल्कुल, जहाँ पे जो अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएंगे, पर सबको पता है, पहले अर्जुन भी आके गया, मैं भी आया हूँ, हमारे परिवार इस दुख